गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर, टेक आउट पेज नंबर 8। वी आर गोइंग टू मेक अ पेपर विंडमिल। आपको यहाँ पर ये पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको इसको देखकर बनाना है। पहले हमें इस ब्राउन पेपर को कट करना है। देखिए यहाँ सीजर का दिया गया है, आपको खाली जो लाइनिंग है उसी लाइन को कट करना है। मैं दूसरे पेपर में कर रही हूं। मैंने यहाँ ब्राउन पेपर ना लेकर मैंने ये ब्लैक पेपर लिया है। सबसे पहले आपको फर्स्ट फोल्ड करना है, जैसे मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, आपको फर्स्ट फोल्ड करना है। फिर ये आपकी मिडिल लाइन जो दिख रही है आपको, वो मिडिल लाइन आ गई है। अब इसको हम ऐसे मिडिल लाइन की तरफ एक फोल्ड करेंगे, सेम उसके ऑपोजिट मिडिल लाइन की तरफ हम फोल्ड करेंगे ऐसा। इसके बाद हम इसको इस तरफ, इसके भी मिडिल लाइन हम ले लेंगे, देन ओपन कर देंगे। फिर इसको भी हम मिडिल लाइन की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक उसके ऑपोजिट पार्ट को भी हम मिडिल लाइन की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह। अब जैसे हमने पहले भी हट बनाया था, ये जो पार्ट है आपको, ये पार्ट आपको यहाँ फोल्ड करके, ये जो कॉर्नर है आपको दोनों कॉर्नर को सीधा हट, जैसे हमने पहले भी हट बनाया था, आपको ये पॉइंट को लेकर आना है। देखो हमारा ये जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर हमारा इस तरफ चला जाएगा ऐसे, ठीक। आपको उसके दूसरे वाले कॉर्नर को भी, हमें दूसरे पार्ट को भी सेम इस तरह से करना, मतलब हमारे वन पार्ट, टू पार्ट और थ्री पार्ट कंप्लीट, हमारा फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, फिफ्थ पार्ट में हम ऐसे आ गए। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को हमको फोल्ड करना है, ताकि वो लाइनिंग आपकी एक आ जाए। ये देखो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, देखा आप लोगों ने। अब देखो ये, अब आपको ये जो पोर्शन है इसको करना है, और सिम इसके ऑपोजिट को हमको ये करना है, ताकि ये हमारा विंडमिल बन जाए। अब आप इसमें पीछे एक पाय स्ट्रॉ लगा के पिन होल करके हमारी विंडमिल बना लेंगे। ये हो गया हमारा विंडमिल। अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हमको कट करना है, ये ब्लू पोर्शन एंड ग्रीन पोर्शन को, इसको हमको, ये जो हमारे पेज नंबर 9 में जो हमारा दिया गया है, पेस्ट योर पेपर फोल्डिंग विंडमिल ऑन द टावर हाउस टीयर एंड पेस्ट ग्रास एंड स्काई, ये जो हमारी विंडमिल है इसको हमको, ये जो पेस्ट हियर, यहाँ हमें पेस्ट करना है। उसके पहले हमें ये ग्रीन पेपर जो अपने यहाँ पर ये ग्रीन पेपर कट किए हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह हमें इस तरह आपको पेपर को टीयर करके यहाँ पर फेविकॉल से पेस्ट किया है, जो हमने पहले क्लास में भी हमने कर दिया है। सेम इसी तरह ये जो स्काई पोर्शन है आपका, स्काई इज ब्लू को पता है, तो हमें वैसे ही स्काई कलर करना है
मैंने अभी ब्लू कलर लिया है। आप आपकी बुक में जो पेपर है उसी को आपको कट करना है। कट करके आपको इस तरह इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये पूरे पेपर में आपको स्काई कलर करना है। मैंने अभी खाली इतना सही करके आपको बता रही हूँ। आप इसको पूरे पेपर में कर लोगे जो आपके पेपर में बुक्स में पेपर दिए गए। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर इसको विंड मिल को पेस्ट कर दोगे। तो ये बन गया हमारा विंड मिल विथ सीनरी। ओके डन।